हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, ये अगला चैप्टर है आपका, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से। हालांकि ये चैप्टर पहले ही होना चाहिए था, पर हमने इसको बाद में कराया क्योंकि सीआईएसआई की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि ना मुझे वो कराना ही पड़ा आप लोगों को, है ना। अब तो आप शांत बैठ जाओ, ठीक है, अब तो मुझे कराने दो अपने हिसाब से। तो चलिए कोई नहीं, इसको कर लेते हैं पहले। ये चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो है इस चैप्टर में, ठीक है। और इस वीडियो में क्या क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, आपका पूरा चैप्टर रखा है भाई। देखो तो सही एक बार, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने इस वीडियो में रखे हैं। एक बार आप इन क्वेश्चंस पे नजर मार लीजिएगा, और इसी एक वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। देखिए, ये एलिगेशन का जो चैप्टर है, एलिगेशन एंड मिक्सचर का, ये हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो एक वीडियो से, मात्र एक वीडियो से पूरा चैप्टर क्लियर हो रहा हो भाई, इससे अच्छी क्या बात है। मैंने पार्टनरशिप भी आपको एक ही वीडियो में पढ़ाया, और उम्मीद करता हूं फिर आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटा होगा। और ऐसे ही मैं इसको बोल रहा हूं आपको, इसको इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। इस चैप्टर का यूज बहुत सारे चैप्टर्स में हमने किया है, आपने देखा था, एसआई में भी किया था, मतलब सिंपल इंटरेस्ट में भी किया था, अनुपात समानुपात में भी बहुत यूज किया है, लाभ हानि में भी मैंने इसका यूज किया है। तो ठीक है ना, वो सारे क्वेश्चंस भी मैंने इसमें लिखे हैं कि भाई लाभ हानि में यूज किया था तो कैसे किया था, या साधारण ब्याज में किया था तो कैसे किया था, वो क्वेश्चंस भी अभी आपने देखे होंगे नीचे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार ये वीडियो देखने के बाद आप खुद कह देंगे कि ये तो कुछ भी चैप्टर नहीं है, है ना। बस आप ये समझ लीजिएगा कि जब भी एलिगेशन और मिक्सचर की बात होती है तो दो चीजों को आपस में मिलाया जाता है। दो चीजों में ही हम मिश्रण विधि का यूज करेंगे, एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, जहां भी दो चीज मिली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज, जितने भी सवाल है सब दो चीजों के मिलने के होंगे, तीन चीजों का नहीं होगा क्वेश्चन, सही है। तो तीन का क्वेश्चन ऐसे बनता भी नहीं है, वो तो बड़ा सिंपल सा होगा अगर तीन का बना भी। तो जैसे तीन प्रकार की चीनी है, 5:1, 2 के अनुपात में मिला दी गई है, तो इस तरीके से सबका रेट ये है भाई, एक 180 रुपए किलो वाली, एक 200 वाली, एक 220 रुपए किलो वाली, ठीक है। तीनों को मिला के बेचना है तो किस हिसाब से मतलब बिक जाएंगी, या कितने हिसाब से रेट बनेगा उनका। तो वो सब सारी चीनी देख लो कितने कितने किलो हो गई, बटे भाग दे दो जो टोटल चीनी है टोटल रुपयों में, तो एक किलो चीनी का रेट आ जाता है मिक्सचर का, ठीक है। तो तीन का तो बड़ा आसान होता है, उसको तो छोड़ो आप, वो तो बेकार क्वेश्चन है ना, ना पूछा जाता है कहीं। आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, तो 14.40 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं को 11.40 रुपए प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 12.60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए, दो चीज है कि नहीं है, एक गेहूं, ये दूसरा गेहूं, ये अलग रेट का गेहूं, ये अलग रेट का गेहूं, तो दो क्वालिटी हो गई गेहूं की। अब दोनों को आपस में मिला रहा हूं, तो 12.60 का गेहूं चला जाना चाहिए, मतलब ये मिश्रण अब 12.60 का बन जाना चाहिए। इस हिसाब से ना हमें लाभ चाहिए ना नुकसान चाहिए, लाभ नुकसान की तो बात ही छोड़ दो एलिगेशन में। तो इनको किस हिसाब से मिलाएं ताकि इनका रेट 12.60 बन जाए, 11.40 और 14.40 बनेगा। तो अब आपको मैं बता देता हूं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। दो तरह के गेहूं है आपके पास, दो तरह का कैसे पता चले दो तरह के गेहूं है भाई, उनके रेट से पता चला है, तो रेट लिख दीजिए ना आप उनका, उसको क्यों छुपा रहे हो, इससे ही तो पता चला है दो प्रकार का गेहूं है। और बीच में किसको रख दूं, जो टोटल प्रकार का होगा सारा, मतलब पूरे मिक्सचर का। देखो, इससे और इससे मिक्स किया इसलिए तीर लगाए, इसका मिक्स करके 12.60 बनाना है, समझ में आ गई। देखिए, जो बीच में संख्या होती है ना, ये हमेशा इन दोनों के बीच में रहनी चाहिए, क्योंकि इन दोनों को ही तो मिक्स कर रहे हो, इनसे बाहर कैसे निकल जाएगी भाई। क्या कभी ऐसा बन जाएगा इसका रेट 15 रुपए किलो भाई, जब इनमें से ये मिलाया तो 15 रुपए किलो का रेट क्यों बनेगा, इनके बीच में ही बनेगा, चाहे इसमें से कितना ही मिला लो, इसमें से कितना है? ये ज्यादा मिलेगा तो ये रेट इसकी तरफ को ज्यादा रहेगा। मान लो ये रेट होता है 14 रुपया, तो इसका मतलब ये वाला अनुपात बहुत ज्यादा मिलाया गया है, ये वाला बहुत कम मिलाया गया। अगर ये होता 11.50 रुपए, अब भी इन दोनों के बीच में ही है, हाँ अब भी इनके बीच में ही है, इससे ज्यादा है, 11.50 अगर यहां होता तो फिर इसका अनुपात बहुत ज्यादा होता, ठीक है। तो अब वही अनुपात ही चेक करना है आपको, यही तो पूछा है किस किस अनुपात में लिए गए हैं।
तो भाई आप सीधा ये रखा करो। और अब देखो वैसे अगर आपको मैं अंदाजा लगाना सिखाऊ ना कौन सा अनुपात इसका ज्यादा आएगा या इसका ज्यादा आएगा, ये देखो किसके पास ज्यादा है, इसके पास है या इसके पास है, मेरे ख्याल से ये इसके ज्यादा पास है, इससे तो थोड़ा थोड़ा दूर है, तो भाई ये रेशो ज्यादा आएगा ये रेशो कम आएगा। ऑप्शन से चेक करना जिसमें ये ज्यादा रेशो आ रहा हो उसको लगा, ठीक है, आंख मीच के लगा दो आपका उत्तर सही होगा। लेकिन तुम कहो जी सारे में ही इसमें ज्यादा आ रहा है, तो भाई मैं तरीका बता रहा हूं कि आप ऐसा समझ लीजिए, तरीका भी कोई मुश्किल नहीं है, माइनस के निशान मान लीजिए इनको, माइनस के निशान, और इनको घटाना शुरू कर दीजिए और घटा के मुझे बताइए क्या आएगा, 1.80 आएगा, और इनको आपस में घटाइए घटाइए ना 1.20। तुम कहो जी कौन से में से कौन सा घटाते हैं, भाई बड़े में से छोटा घटाते हैं, बस ये याद रखना, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़े में से छोटा मतलब ये डिफरेंस का निशान होता है, हमने माइनस का मान लिया, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जो रेशो आया है तो ये इस रेशो में इनको को मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए रेशो होता है ना तो ये पॉइंट ऐसे कटते जैसे बटे वाली संख्याओं का, तो ये ऐसे समझे जैसे ऐसे रखे हुए हैं दोनों, तो ऐसे यही तो काटोगे आप, जीरो से जीरो काटोगे तो सेम, आगे सभी सवालों में करूंगा इसलिए यहीं सिखा रहा हूं। तो फिर क्या काटते हैं, छह से कट जाएंगे जी दोनों, तो वही तो कर रहा हूं, छह दूनी बारह, छह ती अठारह, दो तीन उत्तर, ये 2 किलो चावल मिला दो, गेहूं मिला दो और ये 3 किलो मिलाओगे तो आपका ये रेट बन जाएगा। समझ में आई ना बात, चलिए नहीं आई तो आगे का क्वेश्चन देख लीजिए वहां से आएगी समझ में। 36 रुपए प्रति लीटर के दूध को पानी के साथ किस अनुपात में मिलाए ताकि ये 28 रुपए लीटर, अगर मिश्रण का जो रेट है वो तो बीच में रखा जाएगा, चलो तुम कहो जी ये तो बीच में, तो चलो मिश्रण का रेट रख लिया, एक तरफ हमने दूध का रख लिया दूध का, दूसरी तरफ मुझे बता दो क्या है, पानी तो है दूध और पानी का ही तो रेट बना नहीं है 28, तो पानी का तो दिया ही नहीं है जी रेट, अरे भाई पानी का भी कोई रेट होता है, फ्री का है पानी तो जीरो मान लो उसको, समझ में आ गई ना बात। अब तो फिर ऐसे ही कर दीजिए सेम, कितना आसान हो जाता है ये सवाल, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये रेशो आ गया, 4 से काट दो 7 दो उत्तर, कितने आसान सवाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 48 रुपए, देखिए रेट को रखा जाता है, आपको फिर बता रहा हूं रेट को रखा जाता है जो हम तिरछे ऐसे जो करते हैं, तो 48 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 60 किलोग्राम चीनी, ये तो मात्रा है, ये रेट है क्या, नहीं ये मात्रा है, इतनी चीनी है तो आपका रेट एक तो ये है, एक 55 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ मिलाना है, 48 वाली को 55 की के साथ मिलाना है ताकि मिश्रण का मूल्य ये बन जाए। अब बताओ मुझे साइड में क्या रखूं बीच में क्या रखूं, खुद पता होगा मात्रा नहीं रखी जाएगी रेट रखे जाएंगे। फिर तुम कहो जी इस मात्रा का क्या रोल है, भाई अभी मैं करा रहा हूं अभी सुन लो, आपको पता चल जाएगा इस मात्रा का क्या अर्थ है, अभी तो सिर्फ आप समझो कि दोनों तरफ हमने रेट रखा है, इस मात्रा का अभी सुलझेंगे, इससे अभी सुलटेंगे इसको, ठीक है। तो बीच में कौन सा रेट रखा जाता है, वो रेट रखा जाता है जो दोनों के बीच में हो, मिश्रण का मूल्य हो, तो भाई कर दीजिए ना ये, समझ में आई बात। तो अब आप इसको हटा लीजिए, मतलब 2.5 रुपया हो जाएगा ये तो, और इसको घटाओगे तो 4.50 रुपया आ जाएगा, ये अनुपात बना लो तो अनुपात पॉइंट से पॉइंट, जीरो से जीरो, और 5 से कट जाएगा 5 बार, 5 से 9 बार, 5:9 आ गया। पिछले सवाल यहीं तक होते थे बस, लेकिन इसने क्या पूछा है, कितनी चीनी मिलाई जाए, ये 55 किलोग्राम 55 रुपया जो रेट है ना जिस चीनी का, उसकी मात्रा पूछी है। अब मात्रा पूछी है मतलब कितनी चीनी मिलाई जाए, मात्रा के लिए हमें कोई एक मात्रा पता होनी बहुत जरूरी है, तभी आप मात्रा निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। तुम्हें पता तो है मात्रा, इसकी पता है किसकी, 48 वाली की मात्रा, तुम्हें 48 वाली की पता है ना, कितने किलोग्राम है बताओ मुझे, 60 किलोग्राम। अगर 5 वाले की 60 है तो 9 वाले की तो और ज्यादा होगी, जिसके 5 रेशो है उसकी 60 किलोग्राम है तो कितने गुनी है बताना मुझे, 12 गुनी है कि नहीं है, तो ये भी 12 गुनी हो जाएगी, 108 किलोग्राम हो जाएगी। अगर आपको ऐसे समझ में आ गया है तो ये सवाल का उत्तर हो गया, अगर आपको ऐसे नहीं आया तो आप ये समझो इस वाली मात्रा ही तो दी, 48 वाली तो है 60 किलोग्राम, तो 5 रेशो का मान 48 किलोग्राम, समझ में आ गई, 48 नहीं सॉरी 60 किलोग्राम,
पांच रेसों का मान 60 किलोग्राम दिया है, तो 9 रेसों का पूछा है, तो एक रेसो देखो कितने किलो का हो जाएगा, 60/5 का। 9 रेसो कितने के हो जाएंगे भाई, 60/5 × 9, 5 से 12 बार आ गया ना 108 किलोग्राम, 9 रेसो वाली 108 किलोग्राम बन जाए, या सीधा यही हिसाब लग गया था, ठीक है ना। अब तुम कहो कि जी ये ना होके टोटल मात्रा होती तो कैसे करते, मान लो 60 किलोग्राम ना होके यहां होता 56 किलोग्राम टोटल मात्रा पूरे इसकी चीनी की, टोटल मिश्रण की 56 किलोग्राम टोटल मिश्रण की मात्रा है, तो मुझे ये बताना है 55 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी कितनी होगी। तो भाई फिर तो बांट दो ना, सीधा अनुपात पता है, टोटल मात्रा पता होती है, तो अनुपात में कैसे बांटते हैं, देखिए मैं अलग से कर रहा हूं, कभी सोचो कि इसमें तो नहीं पूछा, तो 9/14 × 56, फिर आप 36 किलोग्राम ये कह दोगे, बची कुछ 20 किलोग्राम दूसरी वाली चीनी, समझ में आ गई ना। टोटल मात्रा दिए तो फिर तो आसान है, और एक मात्रा दिए तो और आसान है, ये वाली दी है तो इसको उतनी गुना कर दो, ये वाली दी है तो ये देखो कितनी गुना है, इसको उतनी गुना कर दो, कितना आसान है, क्यों घबराते हो तुम इन सवालों से। देखिए चौथा क्वेश्चन, एक अंसारी 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को इस रेट में वो बेचने पर, बेचने की बात तो अब तक नहीं हुई थी, ये बेचना बेचना हमारे रात को खराब कर देता है भाई, ऊपर कहीं भी बेचने की बात नहीं थी, आपने देखा था कि मिश्रण का मूल्य ये हो जाए बस, ठीक है, सब कुछ खरीद पे चल रहा था काम, अब तक बेचने की बात नहीं थी, जब भी बेचने की बात आएगी तो सवाल तो करना पड़ेगा, ऐसा तो कह नहीं सकते हमने बेचने का नहीं करना भाई, करना तो पड़ेगा। तो पहले प्रकार की चाय का रेट है 60, दूसरे प्रकार की चाय का रेट है 65, और जो मिश्रण का रेट है वो बीच में रखा जाता है। तुम कहो जी आपने एक बात बताई थी कि ये रेट हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहेगा, 60 और 65 के बीच में, 62 हो सकता है, 63 हो सकता है, 64 हो सकता है, कभी 66 नहीं हो सकता, ये तो इनसे बाहर है, बीच में है ही नहीं भाई, ये जो 10% लाभ है ना इसमें, ये गड़बड़ करवा रहा है सारी, तो इस लाभ को हटा दो ना इसमें से, तो 68.20 में से इस लाभ को 10% लाभ ले रखा है उसने ऑलरेडी, उसको हटाओ, हमें लाभ वाभ नहीं रखना है इन सवालों में, तो आप जान लो इस लाभ को कैसे हटाओगे, लाभ तो हमेशा 100-110 ही लिखा जाता है, कभी 100-90 नहीं, चाहे इसको कम भी करना है आपको कभी 90 मत कर देना, 90/100 कभी नहीं होगा, लाभ है तो कम ऐसे होगा 100/110, भाग ज्यादा का दे दो गुणा कम की कर दो, क्योंकि हमें ये कम करना है, समझ में आ गई ना बात। तो 68.20 × 100/110 एक तरफ को कर लो, यहां कर लो चाहे तो, तुम कहो जी हम तो यही करेंगे सारे काम है, तो यहां कर लो, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, और 11 से 11 छिक्के 66, 2 बचेगा 11 × 2 = 22, आ गया ना 62, अब तो बीच में है ना, देखो यही तो गड़बड़ थी, अब देखो हो गया सवाल, बस ये 62 पे लगा दो ये तीर, ये तो 2 बचेंगे, 65 में से 62 गए 3 बचेंगे, ये उत्तर आ गया, ये बीच में घिचर पिचर सी हो गई, ये समझ सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना, वही बात लिखी है। तो 3 रेशो 2 आ गया भाई, कोई मात्रा दी है क्या हमें, नहीं दी, बस रेशो पूछा है, तो उत्तर हो गया भाई, क्यों वेट कर रहे हैं अगले सवाल पे पहुंचो, बहुत कम टाइम है हमारे पास, है ना, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है वरना। पांचवा क्वेश्चन, स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने पर 20% फिर लाभ की बात, फिर हमारे साथ कुछ गड़बड़ होगी। तो भाई कोई बात नहीं, ये तो बड़ा आसान है, इसमें तो और कुछ दे ही नहीं रखा, स्प्रिट और पानी, जब भी ऐसा सवाल हो सिर्फ यही संख्या आई है, कोई रेट वेट आया नहीं है और कुछ। तो भाई जब भी लाभ होता है ना तो स्प्रिट तो पैसों की आएगी ना, पानी तो फ्री का आएगा, तो स्प्रिट को 100 मान लो, क्योंकि और तो रेट हमें दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है, तो आप इसको 100 मान लो, ठीक है। ये जितना भी लाभ है ना, जितना भी लाभ है ये किसकी वजह से हो रहा है पता है, स्प्रिट में हमने पानी मिला दिया, निखड़ू स्प्रिट, निखड़ू समझते हो, एकदम प्योर स्प्रिट है ना, प्योर स्प्रिट दोगे ना किसी को तो भाई प्योर स्प्रिट दोगे तो न लाभ की बात होती न हानि की बात होती, लेकिन उसे तो दाम कमाना भाई,
तो भाई ये जो 20% जो उसने लाभ कमाया है ना, ये जो 20% लाभ कमाया है, ये पानी मिला के कमाया है। तो सारा का सारा लाभ, मतलब 100 रुपए मान रहे हो, तो 20% 100 पर 20 रुपए ही तो बनेंगे। तो इस पे अगर ये 100 रुपए की और 20% लाभ, तो 20 रुपए का पानी मिला दिया इसमें, तो हो रहा 20% लाभ? नहीं हो रहा। बताओ 100 की तो स्पीड का एक्चुअल रेट है, तो 20% लाभ क्यों हुआ? पानी को दे दिया सारा लाभ, खत्म हो गया सवाल। यही उत्तर है, यही रेशो है उत्तर। तुम कहो जी इतना सा, ये तो कुछ भी नहीं रहा सवाल, जितना लाभ आई प्लस पानी को दे दो। हाँ भाई, तुम कहो जी हानि आ जाती, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या क्या सवाल उठते हैं। ये हानि आ जाएगी तब भी ऐसे ही कर देंगे क्या? छोटा सा सवाल होगा किसी का, मुझे पता है। आप एक बात बताओ, स्पिरिट में पानी मिला रहे हो, दूध में पानी मिला रहे हो, कभी नुकसान हो सकता है क्या? बता दो जरा। नहीं सोच, दिमाग चलाओ, ऐसे नहीं चलेगा। स्प्रिट में या दूध में पानी मिला रहे हो अपनी इच्छा से, क्या कभी नुकसान हो जाएगा आपको? तो भाई क्यों बात कर रहे हो ऐसी, तो लाभ वाला ही बनता है सवाल, नुकसान वाला बनेगा ही नहीं। क्यों अपना दिमाग चला रहे हो, है ना? तो छठा भाई, मुझे पता इसलिए होता है क्योंकि मेरा दिमाग भी ऐसे ही चलता था जैसे आपका चलता है। ये बुरा मत मानना कभी मैं आपको ऐसे ऐसे बोल देता हूं, है ना। मुझे पता होता है कि ये डाउट मन में होते हैं, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस, थोड़ा सा पढ़ाई पढ़ाने का बच्चों को, तो उनके मन में उठते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो आप इसलिए ये मत मानना कि मैं जो है कोई मतलब ज्योतिषी हूँ, आपके मन का कुछ ज्ञाता हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ, नहीं, ये सब मेरे बस का काम नहीं है, ठीक है। पर एक टीचर को साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, है ना, होना चाहिए, ताकि वो दूसरे बच्चे के मन को पढ़ सके और उसके मन की समस्याओं को जान सके, क्योंकि हर बच्चा अपनी समस्या नहीं बता पाता, है ना। आपको खुद ही पहचाननी पड़ती है, अच्छा टीचर पहचान लेता है। मैं अपने आप को अच्छा नहीं कहूंगा, पर आप अच्छा कह सकते हो अगर आपको लगे कि ये बातें आपके दिमाग में वास्तव में मेरे लिए फिट हो गई है, तो भाई फिर तो आप कुछ भी कह लो, आपके हाथ से कुछ भी लिख लो, भाई मैं क्या कर सकता हूँ। तो पानी के साथ स्पिरिट किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से इतने परसेंट लाभ मिले? तो भाई देखना जरा एक बात, भाई स्पिरिट आ गई फिर से, तो पहले पानी दे रखा तो पानी का ही लिख लो ना पहले, फिर स्पिरिट का लिख लेना। यहां तो दूध दिया ही नहीं, पानी स्पिरिट की बात कर रहा दोनों जगह। कोई बात नहीं, स्पिरिट को 100 मान लो और जितना भी लाभ है पानी को दे दो, और अनुपात आगे उत्तर काट लो इनने। तो ये 50/3 है ना, तुम कहो जी ये तो खतरनाक अनुपात है। भाई क्या खतरनाक है, ऐसे तो बहुत सवाल पढ़ाए हैं मैंने। सिंपल अनुपात अगर ऐसा हो ना आपके सामने, तिरछी गुणा कर देख लो या एलसीएम ले देख लो, जो मन करे कर दो। 3 होते ना ऐसो, तो फिर तो भाई एलसीएम लेता ही, क्योंकि तिरछी गुणा तीनों में तो नहीं कर सकते। 2 का एलसीएम से भी कर सकते हो, तिरछी से भी कर सकते हो, 50 से कम 50, 100 या 150, तो भाई तो 300, तो भाई जरा काटना 0 से 0, 5 एकम 5, 5×5=30, 1:6, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। बहुत आसान है भाई, सवाल में कुछ है ही नहीं। 7वां क्वेश्चन, एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें से 5 किलोग्राम दूध निकालो। सोचना, एक टब है आपके पास, 50 किलोग्राम दूध भरा हुआ है, 5 किलोग्राम दिमाग लगा ना दूध पे, पहुंच जाओ सीधे, 5 किलोग्राम दूध, यहां दूध निकाला, उतना ही पानी भर दिया उसकी जगह। अरे भाई ये तो 45 दूध छोड़ दिया इसने, और 5 किलो मार दिया पानी। तो पहली प्रक्रिया की बात तो ये हुआ, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया, तो ऐसा तो है नहीं पानी अलग पड़ा दूध अलग पड़ा, उसमें अगर पानी मिलाया तो दोनों मिक्स हो गए होंगे फिर से। अब ये 50 लीटर का फिर से मिक्स बन गया 50 किलोग्राम का, फिर से बर्तन डाला 5 लीटर का, तो भाई अब के दूध भी आएगा बाहर, पानी भी आएगा। समझ में आ रही है ना बात? क्यों आएगा? दूध का कुछ हिस्सा बाहर होगा, दूध का बहुत ज्यादा हिस्सा बाहर होगा, पानी का 1 हिस्सा बाहर होगा, तो दूध का 9 हिस्सा बाहर होगा, क्योंकि दूध 9 गुना है पानी से। समझ में आ रही है ना? शुरू में तो 5 का 5 दूध ही निकला होगा, लेकिन अगली बार 5 में से अब जो 5 निकाला है, अब ये सोचो उसमें दूध कितना होगा पानी कितना होगा, ये सोचने में तो तुम्हें नानी याद आ जाएगी, ठीक है। और एक बार और सोचवाने लगे ना, तो फिर तो आप समझ लो कि आपने सवाल कर लिया। तो भाई ऐसे किया करो, ऐसा सवाल जब भी आ जाए 50 किलोग्राम और ये जो जितना भी निकलवा रहा है, ये सोचे करो ये इसका कितना परसेंट है, बस ये देख लो 5 किलोग्राम 50 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तुम कहो जी ये तो हमें पता कैसे चलेगा,
भाई प्रतिशतता का चैप्टर पढ़ा है ना, 550 का नहीं पढ़ा ना, प्रतिशतता की पहली वीडियो देख लेना बस। तुम कहो जी वो तो देख ली, तो फिर भूले क्यों बैठे हो। 550 का कितने परसेंट है ऐसे निकालते हैं ना, का वाला नीचे याद आया ना कुछ, तो देखो आ रहा है ना 10%। और वैसे भी आपको बता दूं दोस्तों, अगर 200 का 10% देखना है तो एक जीरो हटा दो, 50 का 10% देखना है तो एक जीरो हटा दो। मुझे देखते ही पता लग गया था ये 10% है, आपको भी लग गया होगा, मुझे पता है, मैं ही होशियार नहीं हूं, आप भी होशियार। तो 10% आप हटाओ ना, 10% दूध बाहर हो गया, 10% बाहर हो गया तो कितने परसेंट दूध बचा, हमें तो दूध बचा हुआ देखना है। पहली प्रक्रिया के बाद दूध बचा होगा 90/100। हटाओ इनको, जीरो हटाओ, हटा के देखो पहली प्रक्रिया के बाद आ रहा 45 या नहीं आ रहा। आ रहा है ना, तो दूसरी प्रक्रिया के बाद एक बार और 90/100, फिर 10% और निकल जाएगा। दूध जो है जितना भी ये 45 बच रहा था उसका 10% और निकलेगा भाई आगे, फिर जितना भी बचेगा उसका 10% और निकल जाएगा, 10-10% बार बार होता चला जाएगा, बार बार निकलता चला जाएगा। बस यही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। और अब आप काट के देख लो, अब आप काट के देख लो, दो जीरो और कट जाएंगी, 9 का 729 होता है घन, और 5 की गुणा और कर दूं और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दूंगा। 5 नाम 45, 5 दुनी 10 और 4 14, 5 सत्ते 35 और 1 36 और 100 का भाग है तो 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो। इतने किलोग्राम दूध बच रहा भाई, उत्तर। तुम कहो ये 10 किलोग्राम आता दूध निकालकर इतना पानी भर दे, तो भाई 10 किलोग्राम देखो 50 का 20% बनेगा, 80/100 80/100 80/100, 3 बार हो रहा, 4 बार हो रहा होता 90/100, 1 बार और, ठीक है। समझ में आ गई है ना बात, अगला सवाल खुद कर दो। शुद्ध दूध से भरे किसी बर्तन से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है, यह प्रक्रिया कुल 3 बार दोहराई गई, तीसरी प्रक्रिया के बाद बर्तन में दूध का परसेंट बता दो। 3 बार ये प्रक्रिया दोहराई गई है, फिर वही कहानी, ये 20% दूध है। तुम कहो पहला दूध तो पता नहीं है, तो भाई दूध की मात्रा कहां पूछ रहा है, वो भी परसेंट ही पूछ रहा है। जब भी परसेंट पूछता है तो 100 किलोग्राम मान लो दूध, क्या दिक्कत है। 20% निकाला तो 100 का 20% गया तो 80/100, फिर 80/100 और फिर 80/100, क्योंकि टोटल 3 बार, कुल 3 बार, ऐसा नहीं है एक बार निकाला एक दो बार, ऊपर क्या था, एक बार निकाल के 2 बार और दोहराई गई, 2 बार और, इसलिए टोटल 3 बार किया, और नीचे तो कुल 3 बार है, कुल 3 बार, इसलिए 3 बार ही करूंगा बस। तो करके आप देख लेना दूध का कितना बचता है, वही आ जाएगा उत्तर, बिल्कुल सही। दूध की मात्रा पहली प्रक्रिया के बाद तो 80% बचेगी, दूसरी प्रक्रिया के बाद आप खुद लगा लेंगे हिसाब, ठीक है, मुझसे बार बार नहीं कराएं तो बेटर है, 64% बचेगी, ऐसे लगा दिया मैंने हिसाब, और तीसरी के बाद जवाब आप खुद कर लो। चलिए, एक बर्तन में एक द्रव भरा है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अनुपात समानुपात में भी आपको बताया था, लेकिन वहां अच्छा नहीं समझा पाया, मैं मानता हूं अपने आप को कि मैंने ये सवाल आपको बहुत अच्छा नहीं समझाया था, तो आज मैं उस कमी को अपनी को दूर कर दूंगा, ठीक है ना, जो मुझसे वहां रह गई थी। तो एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग सीरा है, तो भाई पानी और सीरा, ठीक है ना, तो 3 भाग पानी 5 भाग सीरा, ठीक है। तो बर्तन देखिए, आप कॉन्सेप्ट समझो सवाल का, इस बर्तन में 3 भाग पानी, 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा, मतलब यहां तक तो सीरा है और ऊपर पानी है, नीचे सीरा, ठीक है, सीरा है, ये 5 भाग है, 3 भाग, ठीक है। तो इस मिश्रण में से अगर हम मिक्स, ये अलग अलग नहीं पड़े, दूध पानी को ये अलग अलग पड़े रह सकते हैं, तो ये भी ऐसे अलग अलग नहीं है। जब इसमें से निकालोगे तो दोनों चीज निकलेंगी, निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, मिश्रण में से कुछ भी निकाला जाएगा पूरा, तो भाई मिश्रण में से निकाला ना, जैसे ऊपर वाला सवाल था मिश्रण से उतना ही निकालकर, तो बार बार जितना भी मिश्रण निकालोगे तो ये जो अब बचेंगे इसमें से, मिश्रण में से निकालकर जो बचेगा तो भी तो 3-5 ही रहेगा अनुपात, तो भाई अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल मात्रा घट जाएगी, जरूरी सी बात है, पर मात्रा भी नहीं घटने दे रहा, वो उसके स्थान पर उतना ही पानी भर देता है। तो फिर ये क्या करना चाह रहा है, ये तो कह रहा सीरा की मात्रा
पानी के सापेक्ष घटती चली जाएगी। ऐसा ही होगा ना, जैसे ऊपर था दूध निकाला फिर पानी भर दिया उसकी जगह, फिर दूध पानी दोनों निकलेंगे फिर पानी भर दिया, तो पानी बढ़ता चला जाएगा दूध के सापेक्ष, है ना। ऐसे ही है, तो भाई जब वो क्या निकालता, मिश्रण निकालता है उसकी जगह पानी ठोक देता है, तो फिर क्या हो रहा है, तो फिर तो सीरा घट नहीं रहा, सीरा नहीं घट रहा, पानी बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है, सीरा नहीं घट रहा, पानी बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रही है ना। तो मैं यही बात यहाँ फॉलो करूंगा कि भाई ये यही कहना चाह रहा, उतना ही पानी भर दें और तब तक भरें जब तक कि शेष द्रव में आधा पानी और आधा सीरा ना रह जाए। आधा पानी आधा सीरा का मतलब समझते हो आप, ये है एक बटे दो, एक बटे दोनों बराबर बराबर, तो एक बटे दो का अनुपात क्या होगा बताना। ये आधा पानी आधा सीरा की जगह ये भी तो कह सकता था तीन पांच का अनुपात, वो दो तीन का अनुपात रह जाए या तीन तीन का अनुपात हो जाए, तो आधा आधा का मतलब वही है। तो इसको अनुपात बनाओ, आधा आधा को दो एलसीएम में तिरछी गुणा कर दो ना, दो अनुपात दो, ठीक है। तो दो अनुपात दो को तो एक अनुपात एक लिखने में कोई बुराई नहीं है, तो आधा दूध आधा पानी कभी भी ऐसे आए, आधा दूध आधा सीरा, तो ये सब एक एक ही होता है, मतलब उतना ही दोनों बराबर बराबर। तो भाई ऐसा है, तो आधा दूध आधा पानी मतलब हमें ये रेट करना है दोनों का। देखिए सवाल कुछ नहीं है अभी तो, बस ये समझाया था, सवाल अगर ऐसा आए तो बस। अब सवाल पढ़ लो फिर से, तीन भाग पानी पांच भाग सीरा और हमें उतना मिश्रण निकाल के उसके स्थान पर सिर्फ और सिर्फ पानी ठोकना है, तो भाई दोनों बराबर बराबर हो जाएं, इतना पानी ठोकना है। तो अब आप एक बात बताओ, सीरा में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, सीरा में तो सीरा की मात्रा अपने आप घटती जा रही है जब आप इसको बढ़ाते जा रहे हो, तो आप सीरा को दोनों जगह से बराबर करो, सीरा को बराबर करो। तुम कहो जी जब निकल रहा है तो सीरा भी तो निकल रहा है साथ में, इसको बराबर क्यों करें, पांच ही थोड़ी रहेगा। मैं तो कह रहा हूं रेशो तो पांच रहेगा, तो रेशो बराबर करो ना आप। रेशो बराबर करने के लिए, सीरा को बराबर करने के लिए मुझे पांच की गुणा करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर पांच की करनी पड़ेगी तो रूल ये कहता है कि दोनों में पांच की होगी, दोनों में पांच की होगी तो ये पांच रेशो पांच हो जाएगा। अगर ये पांच रेशो पांच हो गया, बराबर हो गया अब सीरा, तो आपको पता चलेगा कि पानी आपका कितना बढ़ गया है। तो बताओ ना कितना पानी बढ़ गया है, दो बढ़ गया है, दो हिस्सा पानी बढ़ गया है नए मिश्रण में, नए मिश्रण में। नया मिश्रण कितने का है, दो बटे दस का है मिश्रण, दस लीटर में दो लीटर पानी और बढ़ गया है। तो भाई उत्तर आ गया एक बटे पांच, मतलब मिश्रण का पांचवा हिस्सा निकाल दो और उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दो, तो दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, ये कहने का मतलब है इसका। तो एक बटे पांच इसका उत्तर है, ये ही पूछा है मिश्रण में से कितना भाग निकालकर, मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर पानी भर दिया, कितना मिश्रण निकालकर, एक बटे पांच, टोटल मिश्रण का पांचवा हिस्सा। समझ में आ गई ना बात, बहुत आसान है, नहीं आई होगी मुझे पक्का पता है, एक क्वेश्चन से किसी को भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने दूसरा भी लिख दिया, थोड़ा सा ही परिवर्तन किया है बस। आप देखो ए और बी अब के कनस्तर हैं, दो द्रव हैं, द्रवों का नाम ए बी रख दिया पानी सीरा की जगह, सात पांच, ठीक है खुद करवाओ मेरे साथ। ये नौ लीटर का मिश्रण निकालकर, इस बार मिश्रण का जो भाग होता है ना, जैसे एक बटे पांच आएगा ना, वो नौ लीटर के बराबर रख देना, टोटल मिश्रण 45 लीटर का होगा, बस ऐसे करना है। तो पहले तो मिश्रण देखो कितना भाग निकालकर उसको इसके बराबर रख देना, क्योंकि ये मात्रा पिछले में नहीं दी थी, पिछले में पूछा था कितना मिश्रण निकालकर, वो बटे में आता है, यहां लीटर में दे रखा, तो इसको उसके बराबर रख दूंगा, पास। इसको पढ़ो ही मत अब आप। बी द्रव उसके स्थान पर बी द्रव भरने से, तो आपका बी भरा गया है, ए में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और करना कितना है आप ये देखो, बस सात अनुपात नौ करना है, तो ए को बराबर कर दो दोनों जगह से, क्योंकि बी भरा गया है तो बी को बराबर नहीं करना है, दूसरा जो द्रव है उसको बराबर करना है। जैसे पिछले में पानी भरा था हमने सीरा बराबर किया था, यहां तो सबसे बेनिफिट बात यह है, सबसे पॉइंट वाली बात यह है, खुद ही बराबर हुआ है, ही मिल गया, कोई मतलब आपको कान हिलाने की जरूरत नहीं है, है ना। तो भाई बराबर है तो आपको बराबर क्या करोगे जी, कुछ भी नहीं करना हमें, सिर्फ ये देखो कितना बढ़ गया, क्या बी द्रव कितना बढ़ गया, चार बढ़ गया, किस में बढ़ा, चार नए द्रव में, नया कितना है 16। उत्तर
एक बटे चार हिस्सा निकाल दो और उतना ही पानी या विद्रव डाल दो। तो एक बटे चार, वो तो कह रहा है एक बटे चार नहीं निकालना, हमें नौ लीटर निकालना है। मैं कह रहा हूं एक बटे चार निकाल के भी वही बात है। तो भाई एक बटे चार नौ लीटर के बराबर हो जाएगा ना। ये कह रहा नौ लीटर निकालो, हम कह रहे हैं एक बटे चार निकालो, तो भी बात वही रहेगी। ये सवाल की बात है तो ज्यादा सही होगी, हमारी बात तो बिल्कुल गलत नहीं है। तो आप पूरा मिश्रण बताओ, जब मिश्रण का एक चौथाई नौ लीटर के बराबर है तो पूरा मिश्रण क्या होगा, तिरछी गुणा कर दो ना, नौ गुणा चार 36 लीटर का होगा टोटल मिश्रण, पूरा मिश्रण। ठीक है, नया मिश्रण की बात है, नए मिश्रण, नया आए नया पूरा मिश्रण, नया नया मिश्रण, पुराने की बात नहीं कर रहा। तुम क्यों पुराने की क्यों नहीं कर रहे, पुराना उतना निकाला उतना ही तो डाला था, नौ लीटर निकाला नौ डाल दे तो पुराना भी इतना ही होगा। भाई मैं कब नाट रहा हूं, पर आप कहो तो सही। ठीक है, तो पुराना भी इतना ही होता है जितना नया होता है, समझ में आ गई ना। अब ये क्या पूछ रहा है, तनस्तर में आरंभ में, तो आरंभ में भी तो 36 लीटर ही था, 36 लीटर था टोटल मिश्रण, तो आरंभ में ए की मात्रा कितनी थी, तो ए होगा 7/12 × 36, काट दो ना, तो ये हो गया 21 लीटर था प्रारंभ में ए द्रव। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चावल है, कुछ भाग वह 8% लाभ पर 18% लाभ पर सेल्स को बेच देता है। तो आपको मैंने ये लाभहानि में कराया हुआ है, याद आ रहा हो तो बता दो मुझे, 1000 को अनुपात में बांट देना बस। तो आप देखिए ना, एक तरफ लाभ वाला 8%, एक तरफ 18% लाभ वाला, बीच में तो लाभ को आपको याद आ रहा 108 लिखते थे, 118 लाभ को लिखते थे और बीच वाले को 108 लिखते थे, कहता था पूरे सौदे पे न लाभ न हानि, तो इसको 100 ही रहने देते थे। ठीक है ना, तो बस ये अनुपात आ जाएगा, अनुपात ये आ रहा है 108, सॉरी ये एक 8% लाभ पर और ये बीच में 118 है। ठीक है, तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, कुल 14 है ये, सॉरी 14 है भाई, बीच वाला तो 14 है ना, पूरे सौदे पर जो मिलता है, तो ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 2:3, 2:3 रेशो आ गया, बांट दो ना 1000 को, कौन सा चाहिए आपको, 8% लाभ वाला चाहिए, 8% लाभ वाला 2 है, 2/5 × 1000 ये हो गया 400 kg, दूसरा चाहिए तो 600 kg, है ना, दो ही तो है बस। बारवां देखो, एक व्यक्ति के पास इतने लाख रुपया है, 9% वार्षिक दर से शेष धन को 10% वार्षिक, अभी तो कराए साधारण ब्याज, वहीं से देख लेना, मुझसे क्यों करवा रहे हो, पर करवाई रहे हो तो लो, एक 10% पर है, दूसरा सॉरी पहला तो 9% पर है, दूसरा 10% पर है, बीच में जो एक साल का ब्याज है 9400, तो इसमें भी एक साल का ही निकाल दो, 1,00,000 पर, 1,00,000 पर 9% की दर से एक साल का, एक का ही क्यों निकाल रहे, क्योंकि ये एक का है, 1,00,000 का फिर 10% की दर से एक साल का निकाल दो, वो यहां रख देना, बीच में माइनस के निशान ये लग रहे, जो अनुपात आएगा वो भाई धन दिया गया ना उधार, तो 1,00,000 को बांट देना 10% वाला, ये वाला अनुपात चाहिए आपको, ये बटे टोटल अनुपातिक योग गुना 1,00,000, बस उत्तर आ जाएगा, जैसे अभी यहां किया था ऊपर लाभहानि वाले ने किया था ना, इसमें सेम अनुपात बना के जैसे ये बांटा है, तो ऐसे ही बांट देना। नीचे वाला क्वेश्चन, ये भी मैंने अनुपात समानुपात में करा रखा है, दो बर्तन है उनमें द्रव भरा हुआ होता है, इसमें भी द्रव भरा है, इसमें भी द्रव भरा है, तो एक ऐसा बर्तन लेना है तीसरा जो इन इसमें से कितना लें, इसमें से कितना लें, ताकि नए मिश्रण में ये अनुपात हो जाए। तो ये क्या है, इस बर्तन में जब भी ऐसी बात हो, ए बर्तन है, ये बी बर्तन है और तीसरा बर्तन ये, इन दोनों मिश्रणों में से किस अनुपात में इसमें लें, ताकि नए मिश्रण में ये अनुपात हो जाए, तो ऐसा सवाल होता है, आधा दूध आधा पानी, मतलब 1:1 हो जाए, तो ये बीच वाला है। तो अब ऐसा सवाल जब भी कभी आएगा, उनको एक चीज से करते हैं, या तो दूध से ले लो या पानी से, मैं दूध से ही लेता हूं हमेशा, तो आप दूध से ले लीजिए। ए बर्तन में दूध कितना है, 5, कितने में से, 8 में से। दूसरे बर्तन में, ए में तो ये हो गया, बी में बताओ, बी में दूध कितना है, 2 है, दूध की मात्रा पहली वाली है, 2 है, कितने में से, 5 में से, और बीच में 1:1 है, बीच में रखने के लिए 1/2, 1/2 अनुपातिक योग, अनुपातिक योग 5 हिस्से दूध के कितने में से, 8 में से, 3 तो पानी है तो टोटल 8 हिस्सा हो गए, ये अब काट दो, ये जो आ जाएगा अनुपात वो आपका उत्तर होगा। जरा घटा लेते, मैंने वहां भी ये सवाल कराया, आपको याद आ रहा होगा, तो 8, 5 - 4, 1/8 आपका 8 आ जाएगा, 1/8
ये तो हो गया, और इनको घटाओ जरा एक बटे दो में से दो बटे पांच, कोई सा माइनस में आए तो कोई दिक्कत नहीं, अनुपात कभी माइनस में नहीं होता। दो पंजे दस, पांच दूनी दस, चार एक बटे दस, तो एक बटे दस ये आ गया, एक बटे दस, इन दोनों का रेशो तिरछी गुणा कर दो, आपका आंसर है 8:10, 2 से काट दो 4:5, आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा हमेशा की तरह, पर कमेंट जरूर करिए, वरना मैं अगला वीडियो नहीं बनाने वाला अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो। ठीक है, एक एक बच्चे का कमेंट आना चाहिए, जितने भी वीडियो देखो और लाइक कर रहे हो तो, जितने लाइक उतने कमेंट, नहीं तो वीडियो बंद। ठीक है, ओके, गुस्सा आ रहा मुझे क्योंकि कमेंट आपके कम हो गए हैं, पता नहीं क्यों। ओके, बाय बाय दोस्तों।